शियान इमाम ही अस्हाब इमाम हैं। इस अमल साले को जहन में रखें, और अगर फिर इशारा कर दूं मैं मायदा की आयत नंबर 35 जो वसीले वाली आयत थी उसमें भी क्या था, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, शुरू कहां से हो रही थी, तकवा इख्तियार करो। आपने सुना इमाम ने पहली शर्त शिया की ये बताई, कहा अल्लाह की कसम हमारा शिया नहीं होता मगर जिसमें अल्लाह का तकवा हो, वही कुरान वाली बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, अल्लाह का तकवा अपने साथ ले लो इस सफर पर, हमराह रखो इस ज़ादे राह को, वब्तगू इलैहिल वसीला, फिर ढूंढो वसीला खुदा से कुर्ब। क्या क्या चीजें वसीला है अल्लाह से कुर्ब का, मैंने आपको मौला कायनात का फरमान भी सुनाया और ये भी बताया कि अहले बैत अतहार, रसूलुल्लाह अहले बैत अतहार ये वसीला है, इनको फॉलो करके, इनसे सीख के, इनकी सीरत को आइडियल बनाकर इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता। और उसके बाद जब तकवा भी ले लिया साथ तुमने, वसीला भी ले लिया, तो अब क्या करना है, मुकम्मल तस्वीर आयत करीमा की, अब जाहिदू फी सबीलिही, वसीला भी तुम्हारे पास है, तकवा भी तुम्हारे पास है, अब शुरू हो जाओ अल्लाह की राह में कोशिश करना। ये तस्वीर हमने वसीले का कितना एक महदूद महदूद सा मफहूम मार्केट में देखा है। मिल्लत तशय्यु की नुमाइंदा आवाज अस्हाबे इमाम 313।